बिटकॉइन का प्राइस 40,000 के सपोर्ट लेवल को डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही है और ये डाउन ट्रेंड कहीं स्टॉप होता भी नहीं दिख रहा है। इसके अलावा रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से बढ़ती ग्लोबल टेंशन में मार्केट पर और ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन ने लास्ट ईयर नवंबर में $69,000 को टच किया था और उसके बाद से अब तक बिटकॉइन बीरिश ट्रेंड में है। अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $37 के राउंड। लास्ट मंथ बिटकॉइन के प्राइस में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और इसके प्राइस में 33,000 से 45,000 तक का जंप देखा गया और इसने मेजर बीरिश ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। इसके अलावा इसमें लोअर लोज लोअर हाई का पैटर्न भी ब्रेक हुआ और इसने हायर लो एंड हायर हाई बनाया। बट इसके लिए $40,000 की रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट था, बट बिटकॉइन 2 times इस रेंज को ब्रेक करने में फेल रहा और फाइनली इसने 40,000 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, जिसके बाद एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर देखने को मिला मार्केट में और बिटकॉइन के चार्ट को देखकर लग रहा है कि इस वीक एंड तक ये अपने लास्ट लो 33,000 के अराउंड होगा। आप चार्ट पर नेगेटिव इंडिकेटर और सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं जो आपको दिखाएगा मार्केट किस तरह से बीयर्स के कंट्रोल में है। फर्स्ट बिटकॉइन 46,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल रहा, सेकंड 50 डे मूविंग एवरेज को भी होल्ड करने में फेल रहा, थर्ड बिटकॉइन 40,000 के सपोर्ट को भी होल्ड करने में फेल रहा। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर है, किसी के लिए भी ये समझना मुश्किल नहीं है कि मार्केट बीयरिश ट्रेंड में है। अब बात करते हैं आगे क्या लेवल हम बिटकॉइन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बिटकॉइन में 33,000 के लेवल हम फिर से देख सकते हैं। ये लेवल बिटकॉइन के लिए एक तरह से सपोर्ट का काम करेंगे। अगर बिटकॉइन इन लेवल को होल्ड करके नहीं रख पाता है तो हम 30,000 के लेवल को टच जरूर करेंगे। लास्ट टाइम बियर मार्केट में बिटकॉइन ने 29,000 के लेवल से बाउंस बैक दिखाया था और $69,000 प्राइस के ऑल टाइम हाई को टच किया था। बट मैं कहूंगा हम सभी को प्रिपेयर हो जाना चाहिए बिटकॉइन में $20,000 के प्राइस को विटनेस करने के लिए। आपने सही सुना, $20,000। इस चार्ट को देखिए, यह है 200 week मूविंग एवरेज का चार्ट। जब भी मार्केट बीरिश ट्रेंड में रहा है इसने इस मूविंग एवरेज को जरूर टच किया है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो $10 के पास से देख सकते हैं 2012 में इस लाइन को टच कर रहा है। उसके बाद 2013 के एंड में बिटकॉइन बुलिश ट्रेंड में था और $1,000 को टच किया, जहां से फिर इसने बीरिश ट्रेंड में 200 week मूविंग एवरेज को टच किया। अगेन सेम पैटर्न हमें 2018 में देखने को मिला, जब बिटकॉइन ने $10,000 को टच किया और अभी भी मार्केट बीरिश ट्रेंड में है और 200 week मूविंग एवरेज $20,000 के अराउंड है। अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें तो बिटकॉइन 29 से 30,000 की रेंज को होल्ड नहीं कर पाया तो 20,000 के लेवल हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्ट डाटा। इसलिए अगर आप क्रिप्टो में न्यू हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम फंड से स्टार्ट करिए, जो आपकी पॉकेट पर ज़्यादा इफेक्ट ना करें। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।